रामकृष्ण हाजिर हैं। बाप कृपा करते हैं, आपने मौका दिया कि मैं हाजिर हैं। बाप आपकी प्रोसेस करने देगी, आपकी प्रोसेस करने के लिए, गीत गाने के लिए आपसे श्रद्धा करते हैं। बाप जितने भी बच्चे यहाँ पे शामिल हैं, मैं उनकी श्रद्धा करते हैं। बाप सबको घात है। बाप जो भी गीत गाने वाले हैं, बाप जो भी वर्ष सुनाने वाले हैं, उन सबके गलों का घात हम देते हैं। बाप जो भी सुनाना है उनको तैयार कीजिए। उनके घात हो बाप, उनके घात हो, उनसे तो नजर रख दीजिए। बाप उनके मुंह से जब निकले बाप, वो आपके पाखों की तरफ से हो। बाप स्प्रिंग में घोरना खत्म होते हैं। आप किस्म के ऑप्शन से आप दूर रखिए। आप जो भी करें बाप, उससे आपका नाम कुछ लाल मिले। आप सब खास है बाप। मैं तो छोटे दस ने कबूल की, इसमें से नासरी के नाम है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आगे सिस्टर दिया को दावत देते हैं कि वो आए हैं, जिन्होंने गीत प्रिपेयर किया, हम ऐसा शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जी तेरा प्यार मिनू मेरे आ, मैं दुनिया तो होल की लैना, मैं दुनिया तो होल की लैना। करीना नजर दूल नजरा तो, मैं तेनू बस ए हो ही कहना, मैं तेनू बस ए हो ही कहना। जिस जे तेरा प्यार मेनू मिलया, मैं दुनिया तो होल की लैना, मैं दुनिया तो होल की लैना। दस तेरे यीशु तेरा बचन सुनों देने, दाता तेरी बाणी कर कर ओ पचों देने। यीशु दस तेरे यीशु तेरा बचन सुनों देने, दाता तेरी बाणी कर कर ओ पचों देने। ये बाणी दा भंडार मेनू मिलया, मैं दुनिया तो होल की लैना, मैं दुनिया तो होल की लैना। सूझे तेरा प्यार मेनू मिलया, मैं दुनिया तो होल की लैना, मैं दुनिया तो होल की लैना। पापा विच फसे हुए सारे ने जाने, चारे पासे विशे हुए जाने शैतान दे, चारे पासे विशे हुए जाने शैतान दे। ए लुहे तलवार मेनू मिलया, मैं दुनिया तो होल की लैना, मेरे तलवार मेनू मिलया, मैं दुनिया तो होल की लैना, मैं दुनिया तो होल की लैना। यीशु जे तेरा प्यार मेनू मिलया, मैं दुनिया तो होल की लैना, मैं तेनू बस ए हो ही कहना, मैं तेनू बस ए हो ही कहना, मैं तेनू बस ए हो ही कहना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर जाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया है खुदा के नाम को जलाल देने के लिए वो पेश करें। सिस्टर जाला इधर अभी अजान हो रही है, आप किसी और को कह लो। जी ठीक है। अब हम ब्रदर सुलेमान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए हैं, जो भी उन्होंने वर्ड्स और गीत प्रिपेयर किए हैं हम ऐसा शेयर करें।
प्रेज द लॉर्ड है। हेलो एवरीवन, आज मैं एक गीत गाने वाला हूँ, आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, वो अच्छी लेकिन लेकिन आप तो बड़ी गीत सुना ना, लेकिन अच्छी लगती है। अगर जो सा गीत आप कहेंगे वो उस स्टोरी, बस वो भी सुनाऊंगा, बस सारा कुछ मुझे ही आता है, वो सारा कुछ मैं सुनाऊंगा। जीसस तूफान को रोक देते हैं, लेकिन मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 जब यीशु कश्ती पे सवार हुए, उसके लोग उसके सगीर उसके साथ हो लिए, तब देखो ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई। तब उसके लोग तब उसके सगीर ने कहा, मगर यीशु सोता था, लेकिन उसके सगीर ने कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हो जाते हैं। तब यीशु ने कहा, ऐ कमित का दो, तुम डरते क्यों हो? तब फिर यीशु ने उठकर हवा और पानी को डांटा, और फिर एक बड़ा अमन हो गया, और लोगों ने कहा, उनके सगे ने कहा, हवा और पानी यीशु के भी बात कैसे मान लेते हैं? वो तो फिर उन्होंने कहा, यीशु तो बड़े कमाल के हैं। चलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर रूथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो भी उन्होंने गीत या वर्स प्रिपेयर किया वो सुनाए। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, जय मसीह दी सारिआं नूं जी। हाँ जी, हेलो, रिकॉर्डिंग हो रही है पापा जी। जय मसीह दी, जय मसीह दोबारा आ रही। हेलो, अब हम सिस्टर रूथ से दुआ करते हैं कि वो आएं जो भी उन्हें गीत या आवाज़ में कोई भी मैसेज देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, तारीफ खुदा के बड़े की, तारीफ खुदा के बड़े की, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बरेगी, सारी चीजें हैं ये बरेगी, ओ बरेगी, तारीफ खुदा के बरेगी, तारीफ खुदा के बरेगी, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बरेगी, करते हैं इबादत बरे की, ओ बरे की, तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की, प्रस्तुत सना तेरी है खुदा, प्रस्तुत सना तेरी है खुदा, सनाओ सनाओ बरे की, सनाओ सनाओ बरे की, ओ बरे की, तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की,
यसु है अजीम उसकी हो तजीम, यसु है अजीम उसकी हो तजीम। सारे गौसन बरगी, सारे गौसन बरगी, ओ बरगी तारीफ खुदा के बरगी, तारीफ खुदा के बरगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं कुछ वर्सेस शेयर करना चाहूंगी। जबूर 23 उसकी पहली 3 आयतें। खुदावन में और चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये इसमें हम लोग जाहिर होता है इसमें कि हम हमारा खुदा से कितना मजबूत रिलेशनशिप है और खुदा हमारी हर मुश्किल में हिफाजत करता है। सेकंड वर्स, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। इसमें जाहिर होता है कि हम लोगों को किसी हर चीज नवाजता है, यानी हमें किसी भी मुश्किल में रहने नहीं देता। थर्ड वर्स, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। इसमें हम लोगों को जाहिर होता है कि वो हमें सीधे रास्ते पे चलना सिखाता है। अगर हम उसकी कलाम को पढ़ें तो उसमें हमें पता लगता है कि हमने उसके कलाम पे कैसे अमल करना। थैंक यू, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम सिस्टर रूह से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो भी उन्होंने गीतियां वर्ष पर प्रेयर किया मास्टर शेयर करें। सिस्टर रूथ, आवाज आ रही है? हाँ जी। I got the love of Jesus in my heart. Amen. But we solve the guy. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you. अब हम सिस्टर उजाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो भी उन्होंने खुदा के नाम को उजाला देने की प्रिपेयर किया है वो पेश करें। सिस्टर उजाला। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Everyone.
आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही सिर्फ अब ये वर्सेस बाद में थोड़ी देर बाद सुनाते हैं। अभी चलो रोशनी सुनाओ। खुदा का खौफ और का शरीफ है। आमीन। चलो नहीं रात सुनाओ। I have covered you on the palms of my hand. यीशु नूर है। नहीं ईसाया। ईसाया 49:16 यीशु दुनिया का नूर है, नूर तारीकी में चमकता है। आमीन। साम 91 खुल जाता है। साम मेरा छुपान है, अक्सर जो ताला के पर्दे में रहता है वो कादी मतलब के सामने उसको न करेगा। मैं खुदा उनके बारे में कहूंगा, वही मेरी पना मेरा घर है, वो मेरा खुदा जिस पर मेरे तवक्कुल है। वो तुझे सियाद के फंदे से और मुखली वबा से छुड़ाएगा। मुझे अपने हाथों पर हाथ के फंदे से उठाएगा। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन तेरे नजदीक न आएंगे, लेकिन तू अपनी आंखों से नगा करेगा और तेरे शरीर नगा करेगा और तू शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू है खुदा मेरी पना है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे हमें के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो तेरे पाओं को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और रफी को रोन देगा, तू जवान शेर असदा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उससे छुड़ाऊंगा, मैं उससे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ हूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात दिखाऊंगा। He heals the broken hearted and binds up the wound. Psalm 147:3. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. जी अब कोई और छोटे बच्चे हैं जो वर्शिप या कोई वर्स शेयर करना चाहेंगे? बताएं।
मौजी सुनाएगा। चलो शेर बाबल सुलेमान आप इसके साथ सुन करो। Sere Baba Risu, 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 Praise the Lord. कोई और कोई वर्शिप या कोई वर्स शेयर करना चाहेगा? जी ठीक है, अब हम ब्रदर दाऊद डैम और डैनियल से दरख्वास्त करते हैं कि वो आए और जो है गीत प्रिपेयर किया वो हमारे साथ शेयर करें। ब्रदर दाऊद डैम डैनियल देखें हैं भी ऑनलाइन के वो ऑफलाइन हो गए हैं। चलो कुछ स्टोरी शुरू। ठीक है, अब हम साथ साथ अगले मरने में चलेंगे और सारा स्टोरी पर किस नाएगी। यस लॉर्ड। शुरू करते हैं। दुनिया कैसे बनी? इब्तिदा में खुदा ने कायनात को बनाया। जमीन की कौन सी बुक है? पैदाइश की किताब है और उसमें पहले चैप्टर से जो है कोई पढ़ रही थी। इब्तिदा में खुदा ने कायनात को बनाया। जमीन की कोई शक्ल सूरत नहीं थी, ना ही कोई जिंदगी थी। हर तरफ अंधेरा था, सब जगह पानी ही पानी था। खुदा की रूह पानी पर जुम्बश करती थी। तब खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई और खुदा खुश हुआ। खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया। शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। फिर खुदा ने फिजा को बनाया, जिसके ऊपर और नीचे पानियों को जुदा किया और फिजा को आसमान कहा। शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। फिर खुदा ने कहा आसमान के नीचे का सब पानी एक जगह जमा हो जाए, ताकि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और पानी को समंदर। इससे भी खुदा खुश हुआ। तब खुदा ने कहा जमीन पर सब तरह के पौधे उगें, कुछ अनाज के और कुछ फलों के, और ऐसा ही हुआ। इससे भी खुदा खुश हुआ। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। खुदा ने कहा आसमान में रोशनी हो, ताकि दिन को रात से जुदा करें, और आसमान में सूरज चमके कि जमीन को रोशनी दी जाए। इनसे दिन साल मौसमों का पता चले, और ऐसा ही हुआ। शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। फिर खुदा ने कहा पानी में बहुत सी किस्मों के जानदार हों, और हवा में सब किस्म के परिंदे हों, और ऐसा ही हुआ। समंदर के सब जानदार और हवा के सब परिंदे अपनी अपनी किस्म के जानदार पैदा करें। खुदा उनकी बेहतरी चाहता था। शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ। इसी तरह खुदा ने सब किस्म के जानदार बनाए और वह खुश था। फिर खुदा ने कहा मैं इंसान को बनाऊंगा, वह मेरी ही तरह होगा, उसे मछलियों परिंदों पर इख्तियार होगा। उसका इख्तियार सब छोटे बड़े पालतू और जंगली जानवर पर होगा। इसी तरह खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया।
उसने उन्हें बरकत दी और कहा, तुम्हारे बहुत से बच्चे हों, वो जमीन पर सब जगह रहें और उसकी देखभाल करें। मैं तुम्हें मछलियों, परिंदों और सब जानवरों पर इख्तियार देता हूँ। मैंने तुम्हें सब तरह का अनाज और फल खाने को दिया है। सब जानवरों और परिंदों की खुराक घास और पौधे होंगे। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने हर चीज को जो उसने बनाई थी देखा और बहुत खुश हुआ। सो शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। इसी तरह सारी दुनिया बनाने का काम खत्म हो गया और सातवां दिन खुदा ने आराम किया। उसने सातवें दिन को बरकत दी और उसे खास दिन ठहराया। तब खुदा ने अदन नाम की एक जगह में एक बाग लगाया। वहां खुदा ने उस इंसान को रखा जिसे उसने बनाया था। खुदा ने सब किस्म के खूबसूरत फलदार दरख्त बनाए। बाग के दरमियान में दो दरख्त थे, एक जिंदगी का दरख्त था और दूसरा नेकोबत की पहचान का दरख्त। तब खुदा ने इंसान को अदन के बाग में रखा ताकि उसकी बागबानी और निगरानी करे। खुदा ने उससे कहा, बाग के हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो, लेकिन नेक और बद की पहचान का फल हरगिज ना खाना। अगर तुमने उसे खाया तो जरूर मरोगे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे क्लोजिंग प्रेयर करें। किसी और ने अगर कुछ कोई बच्चा रह गया तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम पहले पानी और रोटी के लिए प्रेयर करेंगे और उसके बाद। जी नेता वो दाऊद अरदाइम नहीं आएगा। जी निदा बच्चे गाएंगे। हाँ जी ये बस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था। अच्छा नहीं ठीक है, हम दाऊद और दाइन और डैनियल के साथ मिलके देखेंगे। जी Praise the Lord. Thank you.
नाम तारे मेरा खुदा बन कितना बना है रहमत है उसकी सदियों पुरानी अमान से यही सिलसिला उस मान करो उसके हल्ला करो गाओ खुशी देगी उसका मिलान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो इबादत करो जी गॉड ब्लेस यू दाऊद नाइम डैनियल खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे खुदावंद इसी तरह बड़े कुदरत के साथ बड़े अपने नाम अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे गॉड ब्लेस यू हम सारे बच्चे जिन्होंने भी खुदावंद की हुजूरी में हदीये नजराने चढ़ाए हैं बहुत ही खूबसूरत बहुत ही जैसे कह लें दिल से उन्होंने खुदा उनके लिए जो कुछ भी किया है खुदा उन यहाँ पे मौजूद है और खुदा ने इन बच्चों को जो भी हदीये नजराने चढ़ाए हैं वो कबूल किए हैं और खुदा उनका देना कुदरत वाला हाथ बच्चों आपके ऊपर ठहरा हुआ है क्योंकि यही हमें कलाम में मिलता है कि खुदावन यीशु मसीह के पास बच्चे जो थे उनके माँ बाप लेके आए थे है ना तो खुदावन ने उनके ऊपर हाथ रख के उनको बरकत दी थी कि इन्हें मना ना करो बल्कि क्या है खुदावन यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ रख के उनको दुआ दी उनको बरकत दी तो बिल्कुल इसी तरह खुदावन इस वक्त भी जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं खुदावन यीशु मसीह खुदावन बाप खुदावंद पाखरू हमारे दरमियान है बच्चों के ऊपर खुदावंद ने अपना हाथ जो है बढ़ाया हुआ आप ईमान से जितने भी बच्चे जिनको समझ लग रही है तो आप ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको टच किया है खुदावंद का हाथ जो जख्मी हाथ है वो आपके ऊपर बढ़ा हुआ है तो इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे स्टडी कर रहे हैं माँ बाप के साथ रह रहे हैं खुदावंद आपके साथ है खुदावंद आपको हिकमत दानिश और फहम से भर रहा है खुदावंद का मसा आपके ऊपर उंडेला गया है खुदावंद पाकरू ने आपको मसा किया है ताजा तेल से इसलिए अब से आपने जो कुछ भी करना है जरूर कोशिश करें कि खुदावंद के लिए गीत गा रहे हैं तो खुदावंद के लिए गाएं है ना और जो कुछ भी करें खुदावंद की पाक और पवित्र मर्जी को पूरा करने के लिए करें है ना अपने माँ बाप की फरमाबरदारी में अपने उस्तादों की और जितने भी आपके बड़े हैं उसकी फरमाबरदारी में चलें और खुदावंद के कलाम को रोज बरोज सीखते जाएं अपने अंदर लेते जाएं क्योंकि यही जिंदगी में आप लोगों के काम आएगा यही है जो वो कामयाबी का एक दरवाजा है रास्ता है जिसके ऊपर चल के आप बुलंदियों पे जा सकते हैं जिस तरह के यूसुफ जो था खुदावंद की और अपने बाप की फरमाबरदारी में चलता रहा तो वो तख्त पे जाके बैठा बिल्कुल इसी तरह आप भी अगर अपने माँ बाप का कहना मानेंगे और उस्तादों का और अपने जो चर्च पास्टर हैं या जो भी हैं बड़े तो खुदावंद के उन रस्तों पे आप चल रहे हैं है ना तो इसलिए जरूर जो भी कुछ करें खुदावंद के लिए करें और कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद ने अगर अच्छी आवाज आपको दी है तो उसको सिर्फ खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें जो गाने हैं वो ना गाएं है ना और खुदावंद के लिए गीत गाएं जैसे आयतें पढ़ी हैं अनाया ने तो आप सिर्फ खुदावंद के कलाम को सीखें पढ़ें और दूसरों तक जितना भी आपको पता है दूसरों को सुनाएं ताकि जिनको नहीं पता खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उनको भी पता चल जाए तो अभी से आपके दिल में एक
जो खुदावंद के लिए इज्जत है, प्यार है, मोहब्बत है, वो बढ़ जाए, ताकि खुदावंद में जब तक फिर आप जिंदा रहेंगे, खुदावंद में बढ़ते जाएंगे, पैवस्त रहेंगे, जुड़े रहेंगे खुदावंद के साथ, और खुदावंद जो है आपके लिए तरक्की के दरवाजे जो हैं वो खोलता जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब सब ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है, मेरा ईमान है कि आप सबको ये पसंद आया है, जो छोटे बच्चे हैं, कि हर वीक आप भी इसमें हिस्सा लेंगे, है ना। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की सारी इस इबादत के लिए, आज की सारे जो भी कुछ बच्चों ने किया खुदा उनकी हुजूरी में, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। एक एक बच्चे के ऊपर खुदावंद ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया हुआ है। हमारा ईमान है कि खुदावंद के फरिश्तों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, खुदावंद का गहरा मजा हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर छाया हुआ है। जितने भी हम यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं, खुदावंद का गहरा मजा हमारे ऊपर छाया हुआ है। खुदावंद बच्चों को टच कर रहा है, खुदावंद की हजूरी हमने देखा कि शुरू से ही, मीटिंग के शुरू से ही हमारे इस मीटिंग के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर छाई हुई है। हमारा ईमान है कि खुदावंद जो है इस सारी इबादत से, इस सारी जो भी कुछ आपने खुदावंद के लिए किया है, खुदावंद उससे खुश हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले, प्रेज गॉड। हालेलुया, हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद बाप इस वक्त के लिए, कि खुदावंद तूने इन छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुदावंद खुदा हमारे दरमियान है। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद पाक रूह तूने इनकी तैयारी में इनकी मदद की। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद पाक रूह और ज्यादा इनको हिकमत से, दानिश से, फहम से भर दे खुदावंद, खुदावंद बाप की मोहब्बत से भर दे खुदावंद बाप, ताकि खुदावंद ये अपनी जिंदगियों से हर एक कदम पे, हर एक सांस में अपने बाप को, आसमानी बाप को, खुदा बाप को इज्जत और जलाल देते रहें, और दुश्मन की फौजों को अपने पांव तले कुचलते रहें यीशु के नाम से। खुदा खुदा जहां जहां इनके पांव का तलवा टिके, खुदा खुदा स्टडी में, खुदा खुदा फरमाबरदारी में, यीशु के नाम से खुदा कोई भी इबलीसी कोफ्तें इन बच्चों को टच ना करने पाए यीशु के नाम से। ये तेरे ममसूम है खुदा, तूने अपने बच्चों को मसा किया है खुदावंद, ये तेरे पाक बच्चे हैं, तेरे पवित्र बच्चे हैं खुदावंद खुदा। यस लॉर्ड खुदावंद खुदा, तू इनको आगे पीछे से घेरे रखना खुदावंद, जब तक खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद ये जिंदा हैं, जमीन पे हैं खुदावंद, तू इनको घेरे रखना जहां जहां ये जाएं, जहां जहां जो ये काम करें खुदावंद खुदा, इनकी हाथों में बरकत आ जाए खुदावंद खुदा। स्टडी जब करते हैं तो खुदावंद इनके जहन को खोल देना खुदावंद खुदा, हिकमत दानिश फहम से भर देना खुदावंद खुदा, इल्म की रूह देना, समझ की रूह देना, पाकीज़गी देना खुदावंद खुदा, दुश्मन के सारे हमलों पे खुदावंद खुदा ये तेरे जोर से, तेरी ताकत से फतह पे फतह हासिल करें खुदावंद खुदा, और खुदावंद इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से खुदावंद, इनको पाक रूह से भर देना खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद, तेरा गहरा मसा इनके ऊपर ठहरा रहे खुदावंद, ताजा तेल से तू इनको मसा करते रहना खुदावंद खुदा, ताकि हर कदम पे, हर काम में खुदावंद खुदा, जो जो कुछ भी ये करें खुदावंद खुदा, खुदावंद वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से खुदावंद खुदा, बुलंदियों पे लेके जाना इन बच्चों को, सरफराज करना, कामयाब करना खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद, ये कभी भी तुझसे पीछे ना हटने पाए, कभी दूर ना जाने पाए खुदावंद खुदा, इनको सीधे रास्ते पे लेके जाना खुदावंद, शरीयत की ये किताब कभी इनके मुंह से हटने ना पाए खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद खुदा, और खुदावंद ये कभी ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े खुदावंद, यशुआ की तरह, मूसा की तरह खुदावंद खुदा, दानियल की तरह खुदावंद, सैमुअल नबी की तरह खुदावंद, तू इनको इस्तेमाल करना खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद, यूहन्ना आरफ की तरह, पतरस की तरह खुदावंद, पालूस रसूल का
सा मसा इनके ऊपर ठहर जाए खुदा खुदा, इनके ऊपर कलाम के भेद अभी से खुलना शुरू हो जाए खुदा खुदा, तेरे गहरे मकाशवाद खुलना हो जाए खुदा, कलाम के बातें खुदा खुदा इनको समझ आना शुरू हो जाए खुदा पाखरू, तो इनकी दिल की आंखों को रोशन कर दे खुदा, इनके रूहानी आंखों को कानों को खोल दे खुदा खुदा, गलत तालीमों से इनको बचा के रखना खुदा, उनके सु के नाम से खुदा खुदा, ये हमेशा खुदावन तुझ में बढ़ते रहें, और खुदा वो तेरी जो सच्ची तालीम है खुदा खुदा, वो जो सही तालीम है जो शागिर्दों के जरिए खुदा खुदा तेरे पाक शागिर्दों के जरिए खुदा खुदा हम तक पहुंची है खुदा, ये उस तालीम पे अमल करने वाले हों यस्सु के नाम से, कभी भी खुदा खुदा झूठी तालीमों में बिद्दतों में फंसने ना पाए खुदा यस्सु के नाम से खुदा खुदा, तू इनके चौगिर्द ऐसे लोगों को मुकर्रर कर दे खुदा खुदा, जिस तरह तूने दाऊद को यूनतन दिया खुदा खुदा, मूसा को यशवा दिया खुदा, इसी तरह से खुदा पालूस रसूल को तमोतियस दिया खुदा, इसी तौर से खुदा इनकी जिंदगियों में ऐसे लोगों को ऐसे दोस्तों को ऐसे टीचर्स को खुदा 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 तू ये घेरे रखना खुदा यस्सु के नाम से, ताकि ये कभी भी दुश्मन के हाथ हथे ना चलने पाए खुदा खुदा, कभी भी उसके हाथों में ना जाने पाए खुदा, गलत लोगों से खुदा गलत मजलस से ऐसी कंपनी से खुदा तू बचा के रखना खुदा यस्सु के नाम से खुदा खुदा, तेरे बच्चे हैं खुदा, ये तेरी मलकियत है खुदा, तू इनको संभाल खुदा खुदा यस्सु के नाम से खुदा खुदा, कभी भी खुदा खुदा दुश्मन इन पे हंसने ना पाए, कभी भी खुदा वो फतह ना पाए खुदा यस्सु के नाम से, दुश्मन हमेशा इनकी जिंदगियों को जब देखे तो शर्मिंदा हो, और खुदा हमारा जिंदा खुदा तू इनकी जिंदगियों में फतेहमंद होना खुदा यस्सु के नाम से, और खुदा ये तेरे लिए गाएं तेरे लिए बाइबल को पढ़ें खुदा खुदा, तेरे हुक्मों पे अमल करने वाले हों खुद, सच्चाई की राहों पे चलें खुदा, तेरा रहम वाला तेरा तर्स वाला हाथ इनके ऊपर पड़ा रहे खुदा यस्सु के नाम से खुदा खुदा, और ज्यादा कुदरत के साथ इस्तेमाल करता रहे खुदा यस्सु के नाम से खुदा खुदा, अहबाब खुदा इनके चगिर्द में खुदा तेरे फरिश्तों को तेरे जंगजू तेरे सुरमा फरिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं खुदा खुदा, खुदा तेरे खुदा तकवीय देने वाले फरिश्तों को खुदा खुदा यस्सु के नाम से तेरे हिफाजत करने वाले फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ, जहां जहां इनके पाओं के तलवा टिके खुदा खुदा वो जगह तो इन्हें दे देना खुदा, क्लास में खुदा के इनको अव्वल दर्जे पे लेके जाना, ये हमेशा हर जो भी एग्जाम हो खुदा जो भी असाइनमेंट हो खुदा खुदा 100% के मार्क्स ने यस्सु के नाम से खुदा खुदा, और खुदा स्कॉलरशिप होल्डर हो खुदा यस्सु के नाम से, तेरे बच्चे खुदा खुदा स्टडी में कभी भी खुदा खुदा कम नंबर ना लें पास ना हो खुदा खुदा, बल्कि खुदा फर्स्ट पोजीशन पे रहें, और खुदा खुदा यस्सु के नाम से जहां जहां जाएं तेरे बच्चे खुदा इनके लिए तेरी बरकतों के तेरी रहमतों के दरवाजे खुलते जाएं यस्सु के नाम से खुदा खुदा, तेरे बच्चे खुदा हमेशा तुझ में छुपे रहें, तो खुदा अपने अपने सीने से अपने बच्चों को लगा के रखना यस्सु के नाम से खुदा खुदा, हमेशा तेरा हाथ इनके ऊपर पड़ा रहे यस्सु के नाम से खुदा खुदा, और जब हम खुदा इस रोटी को लें इस पानी को लें तो खुदा खुदा हमारे अंदर से खुदा वो गंदगी वो नापाकी वो नाफरमानियाँ खुदा खुदा वो गंदे बिहेवियर गुस्सा वो नाराजगी वो बुगज हमारे अंदर से निकल जाए, वो चोरी चिकारी खुदा खुदा यस्सु के नाम से, वो बदगोइयाँ जो खुदा हमारे अंदर है, वो जेलसी जो है खुदा वो यस्सु के नाम से जड़ से खत्म हो जाए, जब हम इस रोटी को लें इसको इस पानी को लें तो खुदा हमारे अंदर वो तेरी मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत ताकत खुदा हमारी जिंदगी में फ्लो करना शुरू हो जाए, और हम तेरे लोग तुझमें खुदा खुदा बढ़ते जाएं, और खुदा तुझमें शफा को आजादी को बहाली को रिसीव करें यीशु मसीह नासरी के नाम से, हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम ईमान से इस रोटी को लें इस पानी को लें कि जो के खुदा यीशु मसीह ने हमारी शिफा के लिए हमारी निजात के लिए हमारी बहाली के लिए इस लहू को बहाया इस अपने बदन को तोड़ा, हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब हमारे खुदा उनका फजल उसकी तसल्ली उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता हमें अपने साथ ले नहीं जाता।
खुदावंद हमें संभाले रखे और हमें अपनी पाक दामन कमवारी के माने तैयार करें, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।